बेसन का घोल बनाकर उसे मुरमुरे पे इस तरीके से डालकर एक नया सा नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करते हुए तो चलो बना लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे मैं बेसन ली हूँ आधा कप, और अब इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी एक साथ ज़्यादा नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। और इसका थिक सा बैटर बनाना है, इसका बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरीके का कंसिस्टेंसी का हमें बैटर बनाना है ठीक। और अब इसे साइड में रखते हैं। यहाँ पे मैं एक आलू को बॉईल कर ली थी, एक छोटा चम्मच डाल दी है जीरा पाउडर, और छोटा चम्मच डाल दी है गरम मसाला, और आधा छोटा चम्मच डाल दी है लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा बारीक कटे हुए प्याज डाल दी हूँ, और फिर अब इसके अंदर डाल देंगे शिमला मिर्ची। यहाँ पे मैं थोड़ा सा शिमला मिर्ची कट करके डाली हूँ। अब इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्ची, यहाँ पे मैं 2 से 3 हरी मिर्ची कट की थी, और थोड़ा सा धनिया की पत्ती डाल दी हूँ। और अब इसके अंदर मुरमुरे डाल देंगे, यहाँ पे मैं 1 कप के करीब मुरमुरे ली हूँ। और फिर अब इसके अंदर बेसन का घोल डाल देंगे, जो बेसन का घोल बनाकर रखे थे उसे डाल देंगे। यहाँ पे बेसन का घोल डाल दिए है, अब इसके अंदर नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, और फिर अब इसे खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करके कटलेट बना लेंगे। तो कटलेट के लिए अक्सर क्या लगता है कि स्लरी बनाते हैं, फिर उसको ब्रेड क्रम से कोट करते हैं ताकि ऑयल में जाके टूटे नहीं। और यहाँ पे बेसन डाल देंगे तो ये अच्छे से बाइंडिंग फॉर्म में आ जाएगा और ऑयल में बिखरता नहीं है, और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिए है, तो अब इसको कटलेट का शेप दे देते हैं। हाथों पर ऑयल लगा लेंगे ताकि बेसन चिपके नहीं हाथों पर। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे इस तरीके से, और इसको गोल कर लेंगे पहले, दोनों हाथों से इस तरीके से गोल कर लेंगे, फिर बीच में से प्रेस करेंगे, और इसको साइड से भी इस तरीके से शेप में दे देंगे। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से शेप में आ गया है, एक कटलेट इस तरीके से बना लिए हैं। आप दूसरे शेप में भी बना सकते हैं, और इसे बनाकर डायरेक्ट फ्राई करते जाएंगे, एक एक बनाते जाएंगे और फ्राई करेंगे। अलग से बनाकर इसको साइड में नहीं रखना है, डायरेक्ट बनाते जाएंगे और डायरेक्ट तेल में डालते जाएंगे। जब यहाँ पे थोड़ा सा सेट हो गया है तो इसके साइड्स को चेंज कर देंगे, और आप देख सकते हैं तेल में ज़रा भी कटलेट बिखर नहीं रहा है, टूट नहीं रहा है। और यहाँ पे जगह बचा है तो जो 2 बचा है कटलेट उसको भी डाल देते हैं, और सभी को अलट पलट करके गोल्डन फ्राई करके निकाल लेंगे। मीडियम फ्लेम पर यहाँ पर मैं गोल्डन फ्राई की हूँ। यहाँ पे अलट पलट करके गोल्डन फ्राई हो गया है, तो अब इसे बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा कलर आया है इसका। इसमें मुरमुरा डाले हैं, मुरमुरा डालने से और कटलेट का टेस्ट बढ़ जाता है। यहाँ पे सभी कटलेट को निकाल लिए हैं, और इसे सर्व करें हरी चटनी या टोमेटो केचप के साथ। बहुत ही टेस्टी और कुरकुरा बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी बना है, अंदर से भी अच्छे से पक गया है, और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।